Hi everyone, welcome to my channel. So as we are in our 12 days Hindi grammar journey, so it's our day 6, and if you haven't joined yet, then kindly join from now and link is in the description. So today our topic is about भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाषा किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं, एंड कुछ स्पेशल भाषा के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, एंड बोली किसे कहते हैं, बोली को कितने वर्गों में बांटा गया है, एंड लिपि किसे कहते हैं, एंड व्याकरण किसे कहते हैं वो तो पढ़ेंगे, एंड उसके साथ व्याकरण को कितने वर्गों में बांटा गया है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम भाषा का डिस्कस कर लेते हैं। तो भाषा क्या होता है? तो भाषा वह साधन है या वो माध्यम है जिससे हम अपने विचार को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो आप अगर कोई चीज़ सोच रहे हो, उसे अपने मुख से बोलना, उसे अपने विचार को किसी और के साथ शेयर करना, आदान प्रदान करना, दैट इज़ भाषा, उसे भाषा कहते हैं। भाषा वो है साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने मन के भाव और जो विचार जो सोचे थे वो उसी को हम व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, आदान करते हैं, मीन्स ग्रहण करते हैं। कोई हमें सुनाता भी है, वो भी हम सुनते हैं, एंड किसी को बोलते भी हैं भाषा। एंड इसी भाषा के मेनली दो भेद होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। तो तीसरा भी एक भेद है जो कि नॉर्मली इंक्लूड नहीं किया जाता है, वो जो है सांकेतिक भाषा, जो कि ऐसे इशारों में जो भाषा को समझते हैं वो इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसलिए मेनली अगर आपको एग्ज़ाम में पूछे भाषा कितने प्रकार की या कितने उसका भेद है, तो आप दो ही बस मेंशन करके आ जाना, दैट्स इट। एंड ये दो जो होते हैं मौखिक एंड लिखित, तो मौखिक क्या है ना, जब हम अपने मन के भाषा को बोल कर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। एग्जाम्पल ले जाए तो राधा ने पापा को कविता सुनाई। इधर राधा ने अपने विचार को अपने पापा से कैसे प्रकट की ना, बोल कर, तो ये मौखिक भाषा हो गया। उसी तरह हम लिखित की बात अगर करें, जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, लिखकर एक्सप्रेस करते हैं, तो हम उसे लिखित भाषा कहते हैं। राइटिंग, जब हम लिखकर राइटिंग कर अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल लिया जाए तो मोहन ने पिताजी को पत्र लिखा। इधर जो मोहन था वो अपने विचार को कैसे प्रकट किया ना, लिखकर, पत्र में लिखकर अपने पिताजी को प्रकट किया, अपना जो विचार भाव जो भी है उसका मन में, तो दैट इज़ लिखित। नेक्स्ट हम तीन, अभी ये जो मातृभाषा, राजभाषा और मानक भाषा के बारे में डिस्कस करेंगे, तीन इम्पोर्टेंट कुछ एक्स्ट्रा भी है जो भाषा जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, तो ये आपके बुक में भी दिया होता है। तो पहले हम मातृभाषा को समझेंगे अच्छी तरह से। तो मातृभाषा क्या है ना, जैसे नाम से पता चल रहा है कि अपनी मातृ की भाषा, जिस भाषा को हम बोल कर अपने बचपन से अपनी मम्मी से या अपने परिवार से सीखते हैं, उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे सबकी मातृभाषा मीन्स इंग्लिश में नहीं बोलते, आपकी मदर टंग क्या है वो अलग होता है, ओके। जो जिसके घर में जो लैंग्वेज बोला जाता है वो उसी बच्चा सीखता है, बट स्कूल में इंग्लिश एंड हिंदी बोलना मैंडेटरी है। आप अपने मातृभाषा को क्या स्कूल में बोल सकते हो? ऐसा तो नहीं है ना। तो सरल भाषा में अगर हम बोलें तो जो भाषा बच्चा अपने परिवार या अपने माँ से बचपन से सीखता है तो उसे मातृभाषा कहते हैं, ओके। तो नेक्स्ट हम राजभाषा को समझेंगे। तो राजभाषा क्या है? तो जिस भाषा को देश के सरकारी कार्य के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहा जाता है। एंड हमारी राजभाषा क्या है ना, हमारी राजभाषा हिंदी है। तो राजभाषा वो भाषा है जिसको हम, जो हमारा देश है ना, हमारा स्टेट,
वो उसके सरकारी गवर्नमेंट वर्क में जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं, राज्य की भाषा। एंड हमारे राज्य की भाषा हिंदी है, याद रखना। एंड और एक बात याद रखना, हमेशा 14 सितंबर को हम हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं। एंड अंग्रेजी भी हमारी राजभाषा है, बट वो सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। ओके, उसे इंग्लिश में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, बट फर्स्ट इज़ आवर हिंदी। ओके, सेकेंड इज़ इंग्लिश। बट अगर एग्ज़ाम में पूछे बस एक ही ब्लैंक देकर, एक ही डैश देकर, तो आप हिंदी लिखना। बट अगर आपको दो ब्लैंक दे तो आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों लिखना। बट अगर एक ही गैप ब्लैंक दे फिल इन द ब्लैंक्स में, तो बस हिंदी लिख कर आ जाना, वो इम्पोर्टेंट है। एंड सेकेंड पॉइंट जो राजभाषा में आपको जाननी चाहिए, वो हिंदी ना पूरे भारत में बोली जाने वाली भाषा है। ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया, इसीलिए हम इसे राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। ओके, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे मानक भाषा के बारे में। तो मानक भाषा क्या है ना, जिसे मान्य किया गया हो। मानक हिंदी, हिंदी का ही मानक रूप है। इसे शिक्षा और कार्यालय में प्रयोग किया जाता है, यानी ये कह सकते हैं कि सिंपल में हम कहेंगे कि जो मानक भाषा वो भाषा है जो स्पेशली किसी क्षेत्र में टीचिंग में या कोई स्पेशल जगह में हम यूज़ करते हैं, एक फॉर्मल जगह में। जैसे पत्र में हम मानक भाषा इस्तेमाल करते हैं, या को किसको हम पहली बार मिलते हैं तो आप आइए बैठिए, जो इस टाइप का भाषा जो नहीं बोलते, रिस्पेक्टेड, जिससे आप फॉर्मल यूज़ करो, किसी को ऐसे टूटा ना करो, वो मानक भाषा है। ओके, स्कूल में जैसे हम कैसे बात करते हैं। ओके, स्पेशल भाषा जो सिर्फ जॉब के लिए, वर्क के लिए, स्कूल के लिए, या गवर्नमेंट की जो डिस्कशन होती है उसके लिए जो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बोली के बारे में पढ़ेंगे, बोली किसे कहते हैं। तो एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। इसे हम अगर सिंपल वर्ड में बोलें तो आम बोलचाल की भाषा जो किसी स्थान विशेष में बोली जाती है उससे बोली कहते हैं। जैसे कि बोली से ही आपको पता चल रहा है कि बोली है कोई एक, इससे हमारी जो नॉर्मल हम कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते हैं हमारी डेली डे टू डे लाइफ में, वो अगर किसी विशेष स्थान में स्पेशल यूज़ किया जाए। जैसे मुंबई में लोग हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, बट स्पेशली उस वहाँ के जो महाराष्ट्र के लोग होते हैं, इसलिए मराठी स्पेशली बोलते हैं, तो वो बोली होती है उनकी, तो उससे बोली कहते हैं। एंड हमें सिर्फ हिंदी की बोली यहाँ के बारे में पढ़ना होता है, ज़्यादा कोई लैंग्वेज की नहीं। तो जो हिंदी की बोलियाँ को है ना, उसे 6 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहले पश्चिमी हिंदी, दूसरी पूर्वी हिंदी, तीसरी राजस्थानी, चौथा बिहारी, पांचवा पहाड़ी, छोटा दक्षिणी। एंड उसे मीन्स कौन सी जगह में स्पेशली बोली जाती है, इधर उनके लिस्ट भी है, आप उसे लर्न कर दीजिए। नेक्स्ट हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे। तो लिपि किसे कहते हैं ना, किसी भी भाषा के लिखने के ढंग या लिखावट को लिपि कहा जाता है, जिसे लेखन प्रणाली भी कहते हैं। एंड ये वन मार्क में आ सकता है। तो लिपि को आसान भाषा में आपको समझाए तो किसी भी ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। तो ये कुछ भाषा है, एंड राइट साइड में उनकी लिपि है, जो कि आपको लर्न होना मस्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड ये ही ज़्यादातर सबके बुक में दिया होता है, एंड इससे ही क्वेश्चन आता है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम व्याकरण के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उनके अंग के बारे में। तो सबसे पहले व्याकरण का डिस्कस कर लेते हैं। व्याकरण क्या है ना, व्याकरण एक शास्त्र है जो हमें वर्ण, शब्द और वाक्य के शुद्ध प्रयोग की जानकारी मीन्स इन्फॉर्मेशन देती है, उसे व्याकरण, जिसे हम इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। वो बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन हमें देता है कि शब्द वाक्य इससे कैसे अच्छी तरह से हम यूज़ करें, कोई हम गलत तो नहीं कर रहे, उसे अच्छी तरह से शुद्ध प्रयोग में
यूज़ करने का इंफॉर्मेशन हमें ये व्याकरण ग्रामर देते हैं। अगर ग्रामर नहीं होता तो हम ऐसे ही कुछ बोल देते हैं। इसीलिए कुछ ग्रामेटिकल चीज़ें जो हमें इस ग्रामर से मिलती है, ऐसे नहीं बोलते तुम्हारी ग्रामेटिकल मिस्टेक है इससे मार कट जाता है, तो इस वो व्याकरण हमें वो गलती होने नहीं देती है, वो हमारे शुद्ध प्रयोग की जानकारी देती है। एंड इसी व्याकरण के चार अंग होते हैं, ग्रामर के फोर ऑर्गन्स होते हैं। तो पहला वर्ण विचार, सेकेंड शब्द विचार, तीसरा पद विचार, चौथा वाक्य विचार। एंड वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, ये तीनों की हमने वीडियो बना ली है। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड ये तीनों जो वीडियो है ये 12 डेज हिंदी ग्रामर जर्नी में भी इंक्लूडेड है, तो आपके लिए तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया। एंड वाक्य विचार, आई विल अपलोड इट सून एंड आई विल इंक्लूड इट इन 12 डेज हिंदी ग्रामर जर्नी। तो फर्स्ट हम वर्ण विचार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं ना। इसके अंतर्गत वर्णों के उच्चारण, वर्गीकरण, लेखन, संयोजन की चर्चा की जाती है। एंड वो लिंक मैं आपको दे दूंगी, डोंट वरी। एंड शब्द विचार में हम शब्द के जो टाइप्स हैं तो रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, जो सबके आधार पर कौन सा भेद है वो उसमें पढ़ना होता है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आई विल प्रोवाइड ऑल द लिंक। तो ये सिर्फ जो ग्रामर में वर्ण विचार, शब्द विचार है, पद विचार है, इसका सिर्फ हमें ये बता देता है कि इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं ग्रामर में, बस इतना ही हमें इन्फॉर्मेशन देता है, ज़्यादा डीपली कोई नहीं देता है। बट इसका सेपरेटली भी चैप्टर हमारे बुक में होता ही होता है, एंड इसकी भी हमने पूरी एक्सप्लेनेशन देख ली है। एंड आप टेंशन मत लीजिए, आई विल प्रोवाइड अ लिंक। एंड तीसरा पद विचार, एंड पद विचार में हम सिर्फ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, जो छोटे छोटे पद होते हैं जिसे हम इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एंड वाक्य विचार में हम वाक्य के बारे में पढ़ते हैं, एंड उसके साथ जो वाक्य के साथ क्रिया के जो संबंध होती है, वाक्य विश्लेषण जो होती है, विराम चिन्ह होता है, ये सारा हम वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। ये बस इतना बता दिया कि जो व्याकरण के अंक है उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, बस इतना ही हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना था। हम अभी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इससे आप चेक कर सकते हो आपको कितना आता है एंड आप कितने समझे हो इस चैप्टर को। इफ़ यू हैव एनी डाउट स्टिल, इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड कमेंट इट। तो पहला क्वेश्चन, भाषा किसे कहते हैं? चारों ऑप्शन दिया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज आवर करेक्ट, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन में दिया है कि मन के भाव को संकेत द्वारा बताना, ये तो नहीं होता है। हम अपने मन के भाव सिर्फ संकेत द्वारा, इशारों के द्वारा ही सब सिर्फ बताएं। एंड तीसरा दिया है कि मन के भाव को केवल बोलकर बताना, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अपने विचार को बोलकर प्रकट करते हैं, हम लिखकर भी बता सकते हैं। लास्ट ऑप्शन दिया है कि मन के भाव को केवल संकेत के द्वारा बताना, ये तो गलत है। हम संकेत के द्वारा हर बात नहीं बता सकते हैं, डैट इज़ इनकरेक्ट। तो मन के भाव को हम बोलकर या लिखकर बताते हैं, तो वो भाषा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अस दैट हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाते हैं? पहला 14 जनवरी, दूसरा 14 मई, तीसरा 14 सितंबर, चौथा 14 अगस्त। तो हमने पढ़ा था 14 सितंबर को ही हम हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा का क्षेत्रीय रूप जो स्थान स्थान पर बदलता रहता है वो क्या है? वो लिपि है? नो, लिपि तो जो चिन्ह होता है। एंड दूसरा भाषा है? नो, वो तो हमारा आदान प्रदान का चीज़ है, वो तो अलग बात हो गई। एंड चौथा ऑप्शन दिया है व्याकरण, वो तो हमारा शास्त्र है जो हमारा अशुद्ध और शुद्धि का ज्ञान देता है। तो तीसरा ऑप्शन जो बच गया वो बोली ही करेक्ट आंसर है। आप क्षेत्रीय वर्ड देखकर आँख कान बंद कर सिर्फ बोली को ही टिक मार देना, क्योंकि क्षेत्रीय वर्ड सिर्फ बोली का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र क्या है? फर्स्ट लिपि, नो वो तो चिन्ह है। सेकंड छोड़ो, थर्ड बोली, वो तो क्षेत्रीय रूप है ना, हमने पढ़ा था, जो एक विशेष जगह में यूज़ होता है। एंड फोर्थ भाषा, अरे वो तो आदान प्रदान की चीज़ हो गई, इसलिए सेकंड ऑप्शन व्याकरण जो बच गया दैट इज़ राइट आंसर। एंड ऐसे भी आप जानते हो व्याकरण एक शास्त्र होती है जो हमें अशुद्धि और शुद्धि का ज्ञान देता है। सिंपल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण के कितने अंग होते हैं? हमने अभी अभी डिस्कस किया था, या आप ऑप्शन ना देखकर भी बता सकते हो। चार अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के कितने भेद होते हैं? मैंने बोला था दो भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित भाषा का उदाहरण क्या है इन ऑप्शन में से? फर्स्ट ऑप्शन अखबार पढ़ना, हाँ ये लिखित भाषा है, हम पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर। सेकंड नाचना, और डांस हो गया, और एक एक्टिविटी, इसमें क्या हम बोल रहे हैं। एंड तीसरा कूदना, वो तो एक एक्टिविटी, अगेन जंपिंग। नेक्स्ट ऑप्शन पत्र लिखना, हाँ इसमें हम अपने पिक्चर लिख कर प्रकट कर रहे हैं, सो यस ये भी होगा। एंड गीत सुनना, कहानी सुनना, तो सुनने की चीज़ों की, सो डैट इज़ रॉन्ग। तो इसमें से हमारा टू ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप पिक्चर देखकर आंसर दो, यह भाषा का कौन सा रूप है? तो हमने पढ़ा था जो इशारों की चीज़ होती है, जो इशारा से बताया जाता है। इधर वो ट्रैफिक में इशारा दे रहा है कि रुको, तो ये सांकेतिक होगा, एंड इससे हम इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए सिर्फ भाषा का टू रूप होते हैं। बट स्टिल ये आपको पता होने चाहिए, एंड आवर आंसर वे सांकेतिक। नेक्स्ट, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? तो हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा जो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? अगेन मैं बोली थी भाषा का क्षेत्रीय रूप का वर्ड देखकर सिर्फ आप आकर बनकर बोली लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के चिन्ह क्या कहलाते हैं? हमने पढ़ा था जो भाषा को बोलने, जो लिख रहे, उसके जो चिन्ह इस्तेमाल होते हैं उसे लिपि कहते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लिपि। लास्ट क्वेश्चन बट येट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में कितने भाषा को मान्यता प्राप्त किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है, सेकंड ऑप्शन 22, थर्ड ऑप्शन 20, लास्ट ऑप्शन 24। तो करेक्ट आंसर इज 22, हमारे 22 भाषा को मान्यता प्राप्त किया गया है। एंड विद दिस वी कम टू एंड ऑफ आवर टॉपिक। एंड आप हम ये सारे क्वेश्चन का आंसर हमने एक्सप्लेनेशन के जरिए डिस्कस कर लिया है। एंड आप चाहो तो इस सारे पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट्स के जरिए लिख सकते हो, एंड बी कनेक्टेड विथ हस इन दिस जर्नी। एंड हम जल्दी डे 7 में मिलेंगे। एंड आप अगर ये सब चीज़ समझ गए हो, तो ये जो क्वेश्चन, ये जो सारा है ना जो हमने डिस्कस किया, उसे आप आंसर खुद से करके दिखो, एंड क्विज को प्रैक्टिस करो। बाय बाय।